हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि वर्ष 2021 से ही झारखंड में नियुक्ति वर्ष जारी है और अभी तक कितनी नियुक्तियां हुई इस बारे में नहीं जेसीसी को पता है, नहीं कार्मिक को पता है, नहीं झारखंड में किसी मंत्री को पता है और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि वर्ष 2021 से लेकर अभी तक झारखंड में कितनी नियुक्तियाँ हुई। तो ऐसे में फिर से एक बात, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति का राग अलापा जा रहा है। इस वीडियो में बने रहें, आप सभी को एक एक चीज के बारे में जानकारी देंगे कि वाकई में जून से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आ तो पहले जेटेट होगा, आ तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और डिले होगा, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप सभी को पता होगा कि जो भी एग्जाम होता है नियोजन नीति के तहत होता है, और झारखंड का जो नियोजन नीति है आप सभी को पता होगा, अनभिज्ञ नहीं होंगे कि पूरी तरह से जाकर हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत जल्द ये जो नियोजन नीति है वहाँ रद्द कर दिया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव होने के बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मान लीजिए शुरू भी हो जाती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, मान लीजिए शुरू भी हो जाती है तो इसका क्या गारंटी कि वो प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त भी होगी, बीच में अधर में नहीं अटकेगी, क्योंकि बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। क्योंकि जो नियोजन नीति बनी है पूरी तरह से असंवैधानिक बनी है, और ऐसे में कैसे कल्पना किया जा सके कि जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी वो पूरी तरह से सफल होगी। तो इन सभी के बीच कल झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान आता है कि जून से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दो चरण में इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। पहला चरण में 26,000 सीटों पर भर्ती निकाली जाएगी। अब जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इसमें 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जो 60,000 नियुक्ति प्रक्रिया दूसरे फेज में यानी कि दूसरा चरण में शुरू किया जाएगा, अभी तक पद सृजन नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल 26,000 सीट की बात झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है कि जून से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही इस चयन प्रक्रिया में ये जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बोला जा रहा है कि जून में शुरू होगा, और इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो पहले से जेटेट पास किए हुए हैं उन सभी को एक मौका दिया जाएगा। तो 2016 से लेकर 2022 के बीच, याद रखिएगा 2016 से लेकर 2022 के बीच लाखों छात्र छात्राएं डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, और इन सभी को जेटेट में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस बीच एग्जाम हुआ ही नहीं तो जेटेट में कैसे बैठेंगे। यदि जेटेट का एग्जाम हुआ होता तो लाखों छात्र छात्राएं ये जो बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है इसमें मौका जरूर मिलता। तो इस वैकेंसी में उसी को मौका मिलेगा जो पहले से जेटेट पास है, और जो 5-6 सालों में जो बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए, उन सभी का क्या होगा। यदि 26,000 सीटों पर बहाली शुरू की जाती है तो लाखों छात्र छात्राएं जो जेटेट का वेट कर रहे हैं वे सभी आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहना कि जून में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी उतना आसान है नहीं। सरकार अभी तक क्लियर नहीं कर पाई कि जेटेट का आयोजन कब होगा, जेटेट होने के बाद इस वैकेंसी को लाया जाएगा कि पहले लाया जाएगा, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अभी टेढ़ी खीर है। यदि सरकार के लाख चाहने के बाद भी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाती है तो जो नियोजन नीति फंसा हुआ है कोर्ट में उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। यदि नियोजन नीति रद्द होता है तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया क्या, जो बहाली आई हुई है चाहे जेसीसी, सीजीएल हो, एक्साइज हो, एलडीसी हो, जेई हो, उन सभी बहालियों पर ताला लग जाएगा। और यदि फिर से नियोजन नीति बनता है तो कम से कम छः महीना, और 6 महीना में फिर 2022 खत्म। 2021 से जो नियुक्ति वर्ष शुरू हुआ है 2022 में भी सरकार के पास एक भी डाटा नहीं होगा कि हम इतने लोगों को नियुक्ति दे पाए। तो आप लोग समझ सकते हैं झारखंड में जो भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और जो शुरू होने वाली है कहीं ना कहीं जाके फंसा हुआ है हाई कोर्ट में। जब तक स्पष्ट रूप से, जब तक संवैधानिक तरीके से नियोजन नीति नहीं बनता है तब तक एक भी नियुक्ति करवाना इस सरकार की बस की बात नहीं है। अभी तक हम लोग जो भी बातें किए कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि झारखंड का वर्तमान हालात पर चर्चा की, झारखंड के वर्तमान दशा पर चर्चा किए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को पॉजिटिव भी रहना है।
क्योंकि ऊंट किस करोट बैठेगी ये किसी को अंदाजा नहीं है। मान लिया जाए झारखंड सरकार इसी नियोजन नीति पर, जो गैर असंवैधानिक नियोजन नीति है, इसी पर यदि जैसे सीजीएल का एग्जाम ले लेगी, आ तो एक्साइज कॉन्स्टेबल का रनिंग हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम भी डेट आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा? एग्जाम नहीं दीजिएगा? दीजिएगा तो जरूर। ऐसे में क्या करना होगा, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उस गति को बनाए रखें। भले ही 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि रिदम बना रहेगा। यदि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं और जैसे ही एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हिस्ट्री मेरा कंप्लीट नहीं है, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है, मैथ अभी रिविजन करना बाकी है, रीजनिंग रिविजन करना बाकी है, करंट अफेयर्स तो जीरो है, तो आप उलझ के रह जाइएगा। इसलिए आप लोग को हमेशा ए प्लान के साथ साथ बी प्लान भी रखना होगा। भले 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ाई कर रहे, 2 से 3 घंटा अवश्य करें, इससे रिदम बना रहेगा और जैसे ही एग्जाम डेट आता है आप लोगों को टेंशन नहीं होगा, मेरा मैथ रिवीजन बाकी है, मेरा रीजनिंग रिवीजन बाकी है, मेरा करंट अफेयर छूटा हुआ है, मेरा हिस्ट्री नहीं हुआ है, तो इन सभी चीज़ों का टेंशन नहीं होगा। तो आप सभी पॉजिटिव भी रहना सीखें, क्योंकि ऐसा नहीं मान लें कि एग्जाम होगा ही नहीं, 2.5 साल अभी और सरकार का बाकी है। ऐसे में बहुत सारी नियुक्ति करवाई जाए, भले ही जो नियोजन नीति है उसमें सुधारा जाए, समय लगेगा, डिले होगा, लेकिन यदि आप पढ़ाई जारी रखते हैं तो उसी का नियुक्ति होगा जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग अपना पढ़ाई का जो गति है उसे निरंतर जारी रखें। यदि आप केवल झारखंड के भरोसे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हतोत्साही जरूर हुए होंगे, हताश जरूर हुए होंगे, डिमोटिवेट जरूर हुए होंगे, लेकिन आप लोग केवल झारखंड के भरोसे मत बैठिए, सेंट्रल में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, उस पर फोकस कीजिए। वर्तमान में आप सभी को पता है कि NTPC CBT 2 चल रहा है और बहुत सारे लोग NTPC का एग्जाम दिए भी होंगे और कुछ स्टूडेंट NTPC एग्जाम डेट का वेट कर रहे होंगे। ऐसे में NTPC में जो मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, हूबहू आपका JCC CGL से मिलता है। तो ऐसे में यदि आप NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो खुद ब खुद JCC CGL का तैयारी हो रहा है। तो आप लोग अपना स्टडी जारी रखें, सेंट्रल पर भी फोकस जरूर करें। इससे क्या होगा कि झारखंड में जब भी एग्जाम डेट आएगा तो उतना मेहनत नहीं करना होगा, आप पहले से पढ़े होंगे तो एग्जाम निकालने में आसानी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।